The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hi friends! क्या आप भी मेरे जैसे शरीर घुमा घुमा के लोगों से बात कर रहे हैं रोबोटिक स्टाइल में? क्योंकि आपके गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, गर्दन तो बिल्कुल नहीं हिलाई जा रही है, काम करे, कॉलर क्यों ना पहन ले? कॉलर, कॉलर इज परफेक्ट. जी नहीं, कॉलर नहीं, आपको चाहिए कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके गर्दन की मसल्स और आपके कंधे के मसल्स को रिलीज करे. तो एज यू सीन, मैं बहुत ही स्पेशल जगह बैठी हूँ जहां एक मिरर है जिससे आप मेरी गर्दन के दोनों व्यूज देख सको. और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कमिट करो कि आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार मेरी वीडियो देखकर करोगे. ओके, गुड. सो गर्दन में दर्द हो रहा है, कॉलर तो नहीं पहनना, पर क्या करें? या कॉलर पहनने का तो ख्याल हर किसी को, पेशेंट को आता है, कॉलर पहन ले मैडम, कॉलर नहीं पहनना प्लीज. उससे बेटर है अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो. स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आइए हम एक्सरसाइज सेशन स्टार्ट करते हैं. जस्ट गिव योरसेल्फ few minutes and you would be in a better place, promise. So, आपको दिखाने के लिए किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, let me tie my hair up so that आप अच्छे से मेरी सुरीली गर्दन देख सको और फॉलो कर सको. So, सबसे पहले आपको बैठना है चेयर पे. जस्ट मेक श्योर कि आप पीछे सपोर्ट ले रहे हो. मेरी चेयर पे पीछे देखो, सपोर्ट है. सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्ट लेकर बैठना है और फिर अपना सेशन स्टार्ट करोगे. हर एंगल में आपको देखना है. 1 2 1 2 ऊपर नीचे और साइड में 2 और रिलैक्स. ये आपको 3 बार करना है. अगर इसमें दर्द है, अगर इसमें कुछ भी मूवमेंट में दर्द हो रहा है तो ट्राई करो अपनी आंखें खुली रखो, आंखें बंद करके नहीं करना है ये, प्लीज. दिस इज नो यूज आंखें बंद करके करना. सो आंखें खुली रख के राइट लेफ्ट up and down, ear to shoulder, ear to shoulder. Well, we are all ready. हमारा वार्म अप हो गया है. और दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो कि आप अपने कंधों को ऊपर शक करो एंड देन नीचे रिलैक्स करो. ऊपर शक करो एंड देन नीचे रिलैक्स करो. दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, कंधों को पीछे की तरफ घुमाओ और आगे की तरफ घुमाओ. इससे आपकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और रेडी हो जाएगी फाइनली एक्सरसाइज के लिए. अब आपने क्या करना है? स्ट्रेचिंग. तो अपना लेफ्ट हैंड को अपने कुर्सी और अपने बैक के पीछे अटका लो. राइट हैंड से अपना इस तरफ कान के ऊपर, आपको देखो मिरर में दिख रहा है, यहां पर आप और कान के ऊपर, आगे नहीं पीछे, यहां पकड़ के नीचे की तरफ स्ट्रेच करो. 1 2 3 रिलैक्स. हा, व्हाट अ रिलीफ. अगेन दूसरा हाथ ऑपोजिट साइड. 1 2 3 रिलैक्स. ये होगी आपकी ट्रैप्स की स्ट्रेचिंग्स. और ये स्ट्रेचिंग आप सिर्फ एक एंगल में करिए, क्योंकि 3 एंगल में मैं आपको सिखाऊंगी, आपने करनी एक ही एंगल में. तो आपने एक ही एंगल में करिए एंड देन फिर उसके बाद आपने करनी है आइसोमेट्रिक. सर दबाने वाली एक्सरसाइज आती है हमें, सर सही तरीके से दबाना है, क्योंकि इस तरीके से दबाओगे तो आप रोबोट की तरह ही हिलोगे. सो सीधा बैठना है, बैक सपोर्टेड, हाथ रखना है साइड में कान के ऊपर एंड देन प्रेस योर हेड टुवर्ड्स योर हैंड. अपना सर और अपने हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारो. 1 2 3 रिलैक्स. ट्राई करो जब आप ये कर रहे हो तो आपका गर्दन ना हिले. तो ये नहीं करना है. 1 2 3 रिलैक्स. ऑपोजिट साइड रिलैक्स. सेम थिंग आगे. 1 2 3 रिलैक्स. एंड सर के पीछे. 1 2 3 रिलैक्स. एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली आपके सर्वाइकल पेन के लिए, जिसे कहते हैं चिन टक्स. आपने सिंपल एक सुंदर ब्यूटीफुल लड़की के जैसे अपने चिन में उंगली रखनी है, सीधा बैठना है और ट्राई करो अपने हेड को पीछे टक करो. जैसे आप बटन दबाते हो ना कोई, यू नीड टू प्रेस योर हेड.
ये आप करोगे, और ऐसे अगर आप चेयर पे बैठ के पीछे किसी भी दीवार को रीच करोगे तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके गर्दन को एक पोजीशन देने की, क्योंकि कभी कभी आप ड्रूपिंग शोल्डर की वजह से ऐसे हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है, गर्दन का दर्द हो रहा है। कॉलर आंसर नहीं है, ये आंसर है। ओके, तो ये 3-4 एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ये करिए कम से कम एक हफ्ता और फिर देखिए आपके गर्दन में कितना रिलीज होता है। एक बार रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो आप इन एक्सरसाइजेस को बढ़ा सकते हैं। दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, जितनी भी मर्जी बार करो, और फ्री है यार, वीडियो देखने में थोड़ी ना पैसे लगता है। सो डू इट।